अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पिछले दिनों में आपने देखा कि लंदन ओंटारियो कनाडा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और बहुत बड़ा वाक़ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और जाहिर है कि उसमें एक ऐसा जानकाह किस्म की एक वो स्टोरी थी जिसमें जिसने भी सुना है, वो चाहे वो मुसलमान था या नहीं था, जिसने भी सुना उनके दिल दहल गए। और उसकी वजह यह थी कि एक फैमिली वॉक के लिए निकली और पीछे से एक शख्स ने, जो कि नफरत से भरा हुआ था, उसने अपना ट्रक जो था वो उनके ऊपर चढ़ा दिया और वो पांच लोग थे, उनमें से एक बच्चे के अलावा सबकी जिंदगियां चली और उनका गुल जो था वो बिल्कुल, उसका चिराग जो था वो बुझा दिया गया। और इस तरह बुझाया कि पूरे इस नॉर्थ अमेरिका को, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं खास तौर के ऊपर और कैनेडा में, ये सब लोग जो थे वो शॉक में चले। और अभी भी आप यकीन करें, मैं जिस लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मुझे सब लोग कहते हैं कि अभी उस वाकये के बाद जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें ये डर होता है कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है। तो लुकिंग ओवर द शोल्डर्स वाली बात है कि हर वक्त हमें यही खतरा रहता है कि कहीं कोई इस तरह का वाकये ना हो जाए। आज वो जो फैमिली थी, आज उनकी नमाज जनाजा थी और उसमें हमने बहुत ही रिकत अमेज मनाजिर देखे हैं। और अभी आप मेरे पीछे भी जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देखें कि वो उनकी बॉडीज पड़ी हुई हैं और आज उनका बैरियल भी हो गया, उनको दफना दिया गया। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसी गुफ्तगू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह यूसुफ जई साहिबा, जो कि लंदन ओंटारियो से बिलोंग करती हैं और पीसीए जो वहाँ पे पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन है उसकी प्रीवियस प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज क्या हुआ और किस तरीके से मनाजिर उन्होंने देखे। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस शाह। मुझे ये बताइएगा जरा कि आज नमाज जनाजा थी, तो उसमें नमाज जनाजा तो जाहिर है कि हुई होगी, क्या मनाजिर थे, हु वाज देयर? यानी मुझे पता चला है कि हाई कमिश्नर वाज देयर, कौंसल जनरल वाज देयर, तो कौन कौन लोग आए हुए थे और क्या क्या हुआ वहाँ पे? तो जी, जनाजा हैपन टुडे एंड the main focus this time for the janaza was to have members of the family and close friends in attendance to say a final goodbye to the deceased. And like you said, we did have some members from the Pakistani consulate there. High commissioner was there, they spoke and they offered their condolences on the part of the Pakistani government. There was also in attendance the public. Most of them were Muslims, a lot of them from the Pakistani community, but also in attendance were many non-Muslims praying alongside us, giving their condolences as well to the family. And it was an occasion for the whole community to have somewhat closure in the aftermath of this attack. तो इसमें शाह मुझे ये जरा बताएं कि पिछले जब हमने बात की थी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर went there. All the, you know, who's who, everybody was there. तो उसमें उसके बाद उन्होंने एक तो रिकॉग्नाइज किया कि it was a terrorist attack. ये that was a big news. फिर उसके बाद हमने देखा कि जो लोग थे वो उन्होंने इसको कंडेम भी किया और बड़ा आउटराइटली जाके कंडेम भी किया। उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई आपको इतला मिली है? एनी अपडेट अबाउट इन्वेस्टिगेशंस? Jo hum the things that we know right now are just that so far it is still under investigation. There is no new news coming from the side of the courts or anything. All we know is that the perpetrator, the 20-year-old man who did the attack, he is currently being charged with four counts of murder and one count of attempted murder. So that's all we know right now. We don't have any other updates right now. But I heard yesterday that they're trying to, you know, bring the attention towards his mental derangement and stuff like that. Is it the news you got to? Yeah, so there's been some controversy about that because after, and you know, it's only been 5 days, 6 days, I think, since the attack happened. So little by little, information is coming out about the man who did it. And they are saying that he was a bit of a lone wolf. He didn't have many social connections. He was kind of detached from his family. So they were saying that he is prone to some mental illness because of that. I honestly, I don't know. I think that
it would be a misrepresentation. I don't think it would be good to focus on his mental state at a time when the family is still grieving. So I think right. So as far as right now, we don't have any other information about him. अच्छा शाह आज जो आपने देखा जनाजे के ऊपर उनकी फैमिली के लोग भी आए हुए थे ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड एवरीथिंग लेकिन ये बताएं कि वहां पे किस तरह के मनाजिर थे व्हाट डिड यू सी पीपल वर क्राइंग पीपल वर यू नो सॉबिंग एक दूसरे के साथ मिल रहे थे क्या था व्हाट वाज द सीन लाइक जी जरूर सो टुडे वी फाउंड आउट के इस फैमिली को काफी ज्यादा फैमिली है नॉर्थ अमेरिका में भी और यूके में भी and काफी लोग पाकिस्तान से भी आए थे so that was lots of people this week have been traveling to London from the family extended family and they took up a good chunk of the it's good to see that they were there at the event and of course everybody it was a very somber mood we did meet some of their extended family and like anybody would expect everybody was you know there were tears shed for sure but it was nice to see the community coming in such support of the family. There was a few moments that were especially emotional when they brought the bodies out. They had the cars lined up. It was almost impossible not to shed some tears at that time, right. even if you didn't know the family. So definitely some emotional moments. So, isme kitne log the? Any guess? I think based on a rough estimate, I think ke aaj 1,000 se bhi zyada thi. I think it was around 1,500 people showed up. And the Islamic Center parking lot that this is one of two mosques in London, it was filled up completely and we had to actually extend past onto our the green space behind. So you can see how many people showed up. It was a good turnout. और उसमें आप ये भी बता रही थी कि उसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तानी थे या दूसरे थे ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन अ मिक्स्ड गैदरिंग वाज देयर राइट यस या इट वाज मेनी मेनी मुस्लिम्स फ्रॉम यू नो बोथ अरब्स पाकिस्तानीज आई सॉ सम सूडानीज सोमाली पीपल लॉट्स ऑफ पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड व्हाट वाज मोस्ट एनकरेजिंग वाज वी सॉ लॉट्स ऑफ यू नो white people like non-muslim people they came it was yeah. really good to see that they showed up and they came out to support even though they knew they weren't going to be participating in the namaz janaza or the zuhr namaz but they came and showed their support so ye jo abhi humne dekha ki prime minister ke jane ke baad bhi do you see any difference the authorities are tackling the whole issue because प्राइम मिनिस्टर का वहां पे जाना इट वाज अ ह्यूज न्यूज आल्सो क्योंकि पूरा कैनेडियन जो मीडिया था वो उसको फोकस कर रहा था ना सिर्फ कैनेडियन बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको फोकस कर रहा था तो डू यू सी समथिंग हैपनिंग सून स्पेशली ऑन द प्रोसिक्यूशन फ्रंट सो इट्स स्टिल अ लिटिल सून सो आई एम होपिंग दैट वी विल सी अ लिटिल बिट मोर एक्शन बट व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट वीक व्हिच इज गुड आई थिंक इज दैट People are now holding the politicians accountable. So, just to aapne bataya, on Tuesday we had a vigil for the family, and like you said, all the politicians, the prime minister, our premier, our mayor, different representatives from the different political parties, they came and they offered their condolences and they offered their support. But it's important to say that we have to hold them accountable. They had a lot of comforting words, but words are just not enough. From politicians, you know, even in the day after the vigil, Doug Ford was our premier. He refused to condemn Islamophobia in all forms in our provincial assembly. So that's, you know, politicians' words cannot be the only thing that we rely on. We have to hold them accountable and see some action. So we're hoping that they will. Acha, any news about the boy, the survivor? So as far as we know, we were expecting him at today's janaza, but he wasn't there because he was still in hospital. The family was recommending that he stay in hospital to recover further. So he's still there. So, lekin uski koi news hai ki matlab is he recovering good? Is uski recovery theek hai ya kuch problems hai? Yeah, jo mujhe pata hai, I think he is inshallah going to make a full recovery. And like we said, mashallah, there was lots of family around him to support him. So a lot of his family attended the janaza, but a lot of his family was also there at the hospital with him.
ठीक है। रेहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। रेहान साहब एक तो ये कि अपना तारुफ थोड़ा सा करवा दें और दूसरा ये बताएं कि आज का जो नमाज जनाजा हुई है उसमें क्या क्या हुआ और वहाँ पे आप भी थे, आपने क्या क्या देखा जी वहाँ पे। शाह यूसुफ जी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जी जी शुक्रिया आपका। मेरा नाम रेहान मलिक है। मैं वैसे तो ओरिजिनली ओकविल ओंटेरियो से आया हूँ, लेकिन मैं लंदन में तकरीबन 5 साल रह के गया हूँ, तो मेरा यहाँ की कम्युनिटी से काफ़ी लिंक है और जो डिसीज हैं और उनके साथ काफ़ी मेरी अच्छी रिलैक्स लैग थी, मुलाकात थी और हम काफ़ी ओकेजन पे इकट्ठे मिलते रहे हैं। जो आज का इवेंट था इट वेंट वेरी वेल, इट वाज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से उसको कवर किया, उस पार्किंग से लेकर गेस्ट के आने तक और फिर उनकी सीटिंग और एवरीथिंग वेरी वेंट वेल। एंड उसके बाद जब ये मेन नमाज जनाजा के इवेंट था, उस वक्त मेरी ड्यूटी जो थी एज ए वॉलंटियर वो सेमेट्री भी थी, तो हम मेरे साथ 3 और जो मेरे वॉलंटियर दोस्त थे हम लोग फिर वहाँ के लिए रवाना हो गए थे क्योंकि वहाँ भी काफ़ी इंतजाम करने थे। तो हम तकरीबन 1.5 घंटा पहले वहाँ जाके हमने वहाँ पे सारे इंतजाम किए क्योंकि ये प्राइवेट बैरियल था, तो वी हैव टू मेक श्योर के कोई अनऑथराइज बंदा अंदर ना जा सके वहाँ पे। जितनी गाड़ियाँ हमें दी गई थी, बताई गई थी और जो लिस्ट ऑफ पीपल्स दिए गए थे दे वर ओनली अलाउड टू गेट इन। तो वहाँ का जो सारा सिलसिला जब वहाँ कैस पहुँचा ये सारा मोटरकेड, तो वी लेट देम इन वन बाय वन, उनकी पार्किंग हुई, फिर स्लोली वहाँ पे उनकी बेरियल का सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल देयर एज वेल। सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हो गया वहाँ। मैंने सुना है बहुत रिक्कत अमेज मनाजिर देखे आप लोगों ने और वहाँ पे लोग जो थे एक दूसरे के साथ बेचारे बहुत ज्यादा इजहार हमदर्दी भी कर रहे थे और चाह मुझे बता रही थी कि वहाँ पे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम भी आए हुए थे। जी बिल्कुल, तमाम कम्युनिटी के लोग आए थे और चूंकि ये वाकया ही ऑब्वियसली इतना इतना बड़ा वाकया था कि हर एक इस एवरीबॉडी वाज टच विद दिस इवेंट, तो वो हर कोई अपनी जेस्चर शो करने के लिए वो आया हुआ था वहाँ पे और यकीनन लोग बहुत उदास थे और दे वर वेरी यू नो हार्ट ब्रोकन। तो जो क्लोज रिलेटिव थे तो ऑब्वियसली वो तो यू नो दे वर इन रियली बिग पेन, उनके तो आप यू कैन नॉट डिस्क्राइब कि वो किस हाल में थे। तो वो जैसे जो सलमान साहब हैं उनके उनके बड़े भाई थे वो काफ़ी डिस्टर्ब थे और जो हमारी भाभी थी उनकी उनके भाई भी आए हुए थे ऑब्वियसली और क्लोज रिलेटिव, तो वो काफ़ी ऐसे मनाजर यकीनन देखने को मिले बेरियल के वक्त भी। तो ये तो नेचुरली बात है कि लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं शाह आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट टाइम रेहान साहब आपने आपको थोड़ा सा म्यूट कीजिएगा जी। जी जी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, एको कर रही है आवाज। अच्छा शाह एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी वो ये थी इस्लामोफोबिया के बारे में, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने जाके वहां पे जस्टिन ट्रूडो साहब ने ये कह दिया कि रेसिज्म इज रियल, इस्लामोफोबिया इज रियल, ठीक है ना। तो अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात जब प्राइम मिनिस्टर के माउथ से आती है तो आई थिंक इट कैरीज लॉट ऑफ वेट। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हम इसको ऑन ग्राउंड कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं और कैसे इसके ऊपर हम बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हमें क्या करना चाहिए और स्पेशली हमारी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? That's a big question to answer. I think for our community specifically, it's going to be really important that we hold our white community members accountable and I think it's really on the non-Muslims, the non-colored, you know, members of our community to participate in our community actively and to learn about our these different cultures that surround them
I think in this last week, we've seen such an outpouring of support. I had some friends that were saying, for this whole week, we're going to walk around the city in shalwar kameez. And we're feeling so much love and support from our white community members doing that. But this is something that needs to be not just in the aftermath of something so tragic. So I think one thing I've noticed a lot that we can use is our social media presence has been really good in this last few days. If we keep that momentum, keep sharing our cultures, our messages with our friends, and especially with our non-Muslim, our white friends, I think sharing our culture and being and getting it out there, I think is one of the first steps I think that you can take on the ground. But from a policy level, I think it's really the politicians are going to have to condemn Islamophobia and put that into practice and not just words. This is very important. Yeah, I think they will have to crack down on any forms of extremism that they see and not just target Muslims for and profile them as you know, the extremists of the world. Their extremism exists across races, across religions, and the government needs to give the attention needed to the extremism that exists in this, absolutely, in this country. Absolutely. Tariq Bhatti sahab ne bhi join kiya hamein ji. Tariq Bhatti sahab jo hain ye Pakistan Canada Association ke aajkal ye president bhi hain aur executive bhi hain. और भट्टी साहब, आज का जो सारा इवेंट था, ये इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तो मुझे बताइएगा कि अभी रिहान साहब से भी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से मामलात आपने सारे हैंडल किए, किस तरीके से लोगों को बुलाया, और वहाँ पे हाई कमिश्नर साहब भी आए हुए थे और कौंसल जनरल साहब भी मेरा ख्याल आए हुए थे, तो उन्होंने क्या क्या बात की जी वहाँ पे? जी किसाना साहब, बहुत शुक्रिया. ओके, एक सेकंड, जरा मैं इधर वॉइस क्वालिटी को जरा बेहतर कर लूं. आपके थोड़े से वो एको कर रही है जी. अच्छा, तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन लंदन एंड सराउंडिंग एरियाज का ट्रस्टी हूं, नॉट द प्रेसिडेंट. लेकिन आप किसी वक्त भी बनने वाले हैं ना, मुझे पता जी है. नहीं, शाह इज एक्स प्रेसिडेंट, शी इज राइट हियर, एंड आई एम सो थैंकफुल टू शाह एज वेल एज रिहान मलिक. ये दोनों हमारी टीम का आज हिस्सा थे. इन लोगों ने अनथक काम किया है, और अभी घर आके तो अभी हम लोगों ने कमर भी सीधी नहीं की और आपने हमें पकड़ लिया. मेरे ख्याल में मे बी यू सी टू शेड्स ऑन माय फेस बिकॉज ऑफ द सनबर्न. तो लेकिन ये बहुत जरूरी था, दिन ही ऐसा था ना, मुझे पकड़ना जी पड़ा, क्योंकि मैं अब आपको छोड़ नहीं सकता था आज का दिन. जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी आपकी मोहब्बत है. इट वॉज ए बिग डे, और आज हमने उस फैमिली को उनके आखिरी सफर पे रवाना किया, बड़े हैवी दिल के साथ, हैवी हार्ट के साथ, दुखी दिल के साथ. लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज हाउ यू गेट द क्लोजर फॉर द फैमिली, फॉर द कम्युनिटी. और दिस इज द थर्ड मेजर इवेंट फ्रॉम दैट लास्ट अनफॉर्चुनेट इवनिंग ऑफ संडे, जिसमें मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, अनवेवरिंग सपोर्ट, पीपल वर पोरिंग इन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और आज भी ऐसे ही था. देयर वर लॉट्स ऑफ वाइट कॉकेशियन, देयर वाज अ पॉलिटिशियन, देयर वर मेयर, देयर वाज द पीपल वर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. एंड एट द सेम टाइम आपने पूछा कि जी वी आर वेरी थैंकफुल, बहुत शुक्रगुजार हैं रजा बशीर तारड़ साहब के और अब्दुल हमीद साहब के. हमारे कौंसल जनरल और एम्बेसडर साहब दोनों तशरीफ लाए थे, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए और फैमिली के लिए इमरान खान साहब का पैगाम भी डिलीवर किया. हमारे फॉरेन मिनिस्टर का मैंने उस दिन इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी टुवर्ड्स इस्लामोफोबिया, और साहब उनका मैसेज भी दिया, और दे वन मोर टाइम उन्होंने ऑफर किया कि जिस तरीके से वो फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत उन्होंने उसके सिलसिले में बात की. एज फार एज जो ये तो बात थी जो एम्बेसडर साहब की, रेहान साहब की ने जो है आंखों देखा सारा हाल. मुझे नहीं पता आपको बताया कि नहीं, ही वाज देयर बिकॉज बरियल वाज टोटली प्राइवेट, तो वो वहां पे थे. लेकिन कल एक वॉक थी, मल्टी फेथ वॉक, मुझे नहीं पता आपको क्या खबर उसके बारे में मिली कि नहीं मिली. वहां पे भी देयर वाज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड इवन टुडे द सेम थिंग फॉर द फ्यूनरल prayer, there were thousands of people, regardless of how hot the day was, it was right in the middle of the day. To bahut rikat mein manazir bhi the, aur lekin ye bhi ek baat thi ke ji
सलमान अफजाल एंड फैमिली की जो शहादत है, इन शहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, उसने बहुत बड़ी अवेयरनेस क्रिएट की है। और जिस तरह अभी शाह पहले बता रही थी कि वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम आवर वाइट फ्रेंड्स और कॉकेशियन फ्रेंड्स, वी आर गेटिंग सपोर्ट इवन फ्रॉम आवर हिंदू फ्रेंड्स, सिक्स, लाइक ऑल रिलीजन एंड अक्रॉस द बोर्ड। और इस बात पे डिटरमिंड हैं वो कि जी हम शलवार कमीज पहनेंगे, हम देसी कल्चर दिखाएंगे, ऑल दैट स्टफ दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक जो बात शाह आपने की थी ना, मैं जरा रिहान साहब से भी उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि रिहान साहब, शाह ने ये कहा था कि हमें अब इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है, यानी ये नहीं है कि हम यहाँ पे अब आप छोड़ दें और फिर हम बैठ जाएं। नॉर्मली हम वैसे इसी तरह ही करते होते हैं, हमारा रिस्पॉन्स जो है ना वो एकदम ऊपर जाता है, फिर लैकडेसिकल हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो हाउ डू वी कंटिन्यू विद दिस मोमेंटम, रिहान साहब? जी, मैं ये कह रहा था कि जो पॉइंट शाह ने उठाया, इट्स राइटली सेट कि हम, हमारी जो आदत है वो यही है कि एक इंसिडेंट होता है, हम उसको, उसके लिए बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बाद यू नो आफ्टर सम टाइम वी जस्ट कूल डाउन, वी सिट बैक, रिलैक्स। लेकिन इस दफा जो मोमेंटम देखने में आया है वो काफी डिफरेंट है, और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें है वो यही है कि इस मोमेंटम को इसी पेस के साथ जारी रखा जाए, और जो दो तीन की पॉइंट्स हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, जिनमें जिसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो सोशल मीडिया पे जो हेट जो स्पीचेस और जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, वो उसको ट्रैक करने की जरूरत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अब जिस किस्म का प्रेशर हमें उन पे डालना चाहिए वो इस चीज पे उसे एम्फेसाइज करना चाहिए कि ये एक बिग पार्ट है जिसकी वजह से जो हेट क्राइम है, जो हेट एक क्राइटेरिया वो बहुत ज्यादा मुस्लिम्स और इवन माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है, तो अगर इस चीज को वो ट्रैक करें और इस पे कोई यू नो एनीथिंग को लॉ बनाएं और उसको कोशिश करें कि उसको कवर करें, तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। उसके अलावा इंडिविजुअली तौर पे मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम जो हमारी कनाडा में मौजूद है, उनको चाहिए कि वो इस पे एम्फसाइज करें इसको, यू नो अपने अपने हलके में, अपने अपने एमपीज के थ्रू, कि वो इन चीजों पे नजर रखें। और ऐसे बहुत सारे लोग हिडन हमारी कम्युनिटी में यू नो वाइट सुप्रीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो you know they can come up anytime, they can do anything, aur is qisam ke waqiat ke baad balki aur thoda sa ek mil jata hai unko aaj ke acha bhi is tarah bhi ho sakta to ab ye bahut is cheez ki this is very important for the authorities ko in cheezon pe nazar rakhe aur in cheezon ko khatam karne ke liye koi practical kadam uthaye aur concrete strategy samne aani chahiye kaha ek please mute kijiyega ji apne pure answer। अच्छा शाह, एक चीज बस, हम ये फाइनल राउंड है, मुझे सिर्फ एक बताएं कि जिस तरह मोमेंटम की बात हुई है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती है कि हम लोग जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, अलायंसेज बनाएं, एंड अलायंसेज विद दोज पीपल हु आर वेल मीनिंग, जो कि लोग देखें ना अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप देखें ज्यूश कम्युनिटी में भी इस तरह के लोग होंगे जो वेल मीनिंग होंगे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें भी बहुत बड़े लोग ऐसे होंगे जो कि इस चीज को कंडेम कर रहे होंगे, जिस तरह भी आपने फरमाया कि वहां पर लोग आए हुए थे, तो how to approach those kind of people and make alliances with them and tell them ki ji islamophobia jo hai ye jis tarah aap kehte hain ki ji antisemitism hai isi tarah islamophobia bhi hai, so let's get together and do something about it। So that's a good question। I think in our own ways we can do small things to encourage that। One place is a good place to start is in your workplace or your school, in the institutions that we spend the most time, talk to your, you know, your coworkers, your peers, and your supervisors, and tell them that from what we can see in this last week, and from even before this, the Islamophobia, the racism in our community, while it sometimes may look kind of hidden, when it comes to the front, it becomes exposed and it's there. And tell them to acknowledge that in the workplace and to speak about it. And I think
when it comes from a place of education and a place of love and community and creating community instead of conflict, I think that it's a really good opportunity to have these discussions in schools for children and for the youth. It's really important for them to also have these discussions with their teachers and their peers. And besides that, all we can do is rally our communities, talk to your, just like Rehan Uncle just said, make sure that you are, you know, talking to your community leaders, your MPs, your provincial leaders. And when you do see it happen like that in your community, call it out and share it with the people around you. It was the very end. Shams sahab, आप जरा अपना जरा फाइनल कमेंट, क्योंकि आप जरा थोड़ा सा इकबाल की तरह लेट आए, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आप हमें जरा बता दिए कि आज का दिन कैसा गुजरा आपका, और आज को बहुत ही रिकत अमेज मनाजिर, जिस तरह तारिक भट्टी साहब भी फरमा रहे थे कि बहुत ही रिकत अमेज मनाजिर थे, तो क्या क्या देखा जी आपने? देखिये, सबसे पहले अगर मैं शाह को देख रहा हूँ, रेहान को देख रहा हूँ और तारिक भट्टी साहब को देख रहा हूँ, इसका मतलब है कि सारी इनपुट आ चुकी होगी, क्योंकि माशाल्लाह सुबह से लेके आखिर ये सारे इन्वॉल्व थे। जैसे मेरे ख्याल लास्ट टाइम भी आपके साथ मेरी बातचीत हुई थी, कंक्लूडिंग वाली बात है जो भी जिस तरह शाह बात कर रही थी, इस वक्त सबसे बड़ी चीज ये, अगर मैं इस्लाम के हवाले से बात करूँ, इस्लाम जो है कुरान से नहीं फैला था, किरदार से फैला था। इसी तरीके से हमें भी अपना कोई ना कोई करेक्टर जो है और ज्यादा शो करना पड़ेगा, जिससे लोगों को पता चले कि हू वी आर। मैं कभी भी जो है इस चीज को फेवर नहीं करता कि कभी हमारे जो है वो कोई बटन दबाए जाए, सोचते तो हम रोड पे निकल आए। अब वो जमाने चले गए जिसमें तीर कमान से लड़ाई होती थी। सोशल मीडिया इज द बेस्ट थिंग एंड योर ओन कैरेक्टर इज द बेस्ट थिंग, एक हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ अराउंड यू। और एक चीज होती है 2 फीट रूल, जिसमें आप जब कहीं पे भी जाते हैं बातचीत करने, बताए आप कौन है, क्या करते हैं, बोलिए। तो 2 फीट रूल अब हमें अप्लाई करना चाहिए हमारी अपनी जाती जिंदगी में भी, जहां पे भी हम जाएं हम ये जरूर बताएं, प्राउडली बताएं कि हम मुसलमान हैं, और उनको पता चले यार ये इंसान जो है मुसलमान, और ये इतना अच्छा मुसलमान है, इतना अच्छा इंसान है। एक तो ये चीज होगी। कल की जो वॉक थी जिसमें तारिक भट्टी साहब और हम लोग सारे थे, वो अरेंज की थी नॉन मुस्लिम ने, लेकिन वो थी मल्टी फेथ। उसमें एक चीज जो अच्छी हमें लगी, और हम सड़क पे जब वॉक कर रहे थे तो हमें इस चीज का एहसास हुआ जो हमें पहले दिन पिछले इतवार को नहीं था, हम सब डर गए थे कि लंदन रोड्स आर नॉट सेफ। कल हमें लगा वापस कि लंदन रोड्स आर सेफ फॉर अस एंड फॉर आवर फैमिली। वी वॉक 7 किलोमीटर विदाउट एनी फियर बिकॉज वी हैव द पीपल अराउंड अस, दे वर नॉट मुस्लिम ओनली। तो एक चीज तो ये है कि डर खौफ शुरू में आया था, और दूसरी चीज शायद मैंने आपसे पहले या किसी और चैनल पर बात की थी, अपील जो होती है ना कि अगर उसने मारा है बगैर टारगेट किए हुए, बगैर मॉनिटरिंग किए कि ये फैमिली इतने बजे वॉक करने निकलती है, मैंने टारगेट वो निकला है, उसने कहा जो भी मुझे मुसलमान लुक लाइक मुस्लिम नजर आएंगे। तो सबसे बड़ा इस वक्त यहाँ डेंजर जो है वो पंजाबी कम्युनिटी जो है, जो सरदार कम्युनिटी है, क्योंकि वो भी हमारी इतना ही कपड़े पहनते हैं, उनकी और लेडीज इतना सब रखती है। तो इट इज नॉट ओनली can happen to Pakistani or Muslim community, it can happen to anybody who looks like anybody. और यही वजह है कि all the more important ये बात है कि तमाम लोग मिलके इसको tackle करने की कोशिश करें। तारिक भट्टी साहब, final comment जी, कैसे conclude करेंगे और what next? Final जी जी किसाना साहब, अभी शम सैयद साहब ने भी कल की walk का जिक्र किया है, और वो बहुत important बात है, और मैं भी, मुझे आज किसी ने उस वॉक की पिक्चर भेजी, कल हमने रियलाइज नहीं किया, इत्तफाक की बात थी कि जो मेन बैनर हम लेके चल रहे थे तो मैं सैयद साहब के साथ ही खड़ा था, और मेरे आगे जो थी वो ज्यूश रबाई थी, डेनिस उनका नाम है, उसके बाद मेयर साहब थे, मेयर साहब के बाद हमारे मस्जिद के इमाम थे, उसके बाद गुरुद्वारा के गुरु नानक सोसाइटी के सरविंदर साहब थे, सिख थे, फिर हमारे यहाँ के मंदिर के पंडित साहब थे। तो इट वॉज रियल मल्टी फेथ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के तमाम रिलीजन जो पॉसिबल थे उन सब के लोग वहां पे उस वॉक को लीड कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी कि वी टोल्ड पीपल के जी इसके इस्लामोफोबिया के खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ, हेट के खिलाफ हम सब इकट्ठे बाहर निकले हैं, और जिस तरीके से लंदन की कम्युनिटी ने सड़कों पे दोनों तरफ पे खड़े होके हमें इस बात का यकीन दिलाया कि जी हम इस वी ऑल आर अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, वी आर
We are in it together. तो वो बड़ी अच्छी बात थी. और उस लास्ट बात जो शाह और रेहान साहब दोनों ने की है वो वी डू रीड. एंड मेरी सिस्टम में एक्चुअली कुछ लोगों से अथॉरिटी से बात भी हुई है पुलिस के साथ भी, के जी दे शुड एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू मॉनिटर द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर ओवर देयर बिकॉज एवरीथिंग इज कल्टीवेशन ओवर देयर. ऑल द हेट इज कल्टीवेशन ओवर देयर. एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, आज कुछ लोगों की कंप्लेंट आई मुझे खासतौर पर पाकिस्तान की नवाज से, कि हमारी लेडीज वॉक कर रही थी या जा रही थी या गाड़ी पार्क कर रही थी, पीपल आर हॉकिंग. तो मैं थोड़ा सा एक अवेयरनेस देना चाहूँ है, वो बदतमीजी का भी नहीं है. आजकल जो हॉन्क है वो बेसिकली सपोर्ट का है, तो प्लीज समटाइम टेक इट पॉजिटिव आल्सो. हाँ, इसको समझने की भी जरूरत है. ये देखें ना, ये कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं जो हमें समझानी चाहिए. एंड हियर कम्स द रोल फॉर शाह. शाह, पीपल लाइक योरसेल्फ, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि आप यूथ को, यंग जनरेशन को और उनके जरिए बड़ों को भी आप समझाएं कि हाउ टू यूज द सोशल मीडिया. ये जो वेपन है इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि बड़े हमारे जो लोग हैं उनको इतना अंदाजा नहीं है कि इसको सोशल मीडिया को वो कैसे यूज करते हैं. वो सिर्फ फेसबुक पे तस्वीरें सूरें देख के समझते हैं कि सोशल मीडिया यूज हो गया. सो मेरा ख्याल है कि आपको एज ए कम्युनिटी इसके ऊपर कोई ना कोई क्लासेस का सिलसिला शुरू करना चाहिए एंड यू मस्ट टेक द लीड. ठीक है शाह जी? आई एग्री. हाँ, थैंक यू वेरी मच. और तारिक भट्टी साहब, शम सैयद साहब, रेहान साहब, शाह, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया. एंड विश यू गॉड स्पीड. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. और मैं आखिर में सिर्फ नाज़रीन को ये कहना चाहूंगा कि जो जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस फैमिली के लिए एक दफा सूरह फातिहा और तीन दफा कुरान पढ़ के उनको सवाब पहुंचाएं. ये हमारा फर्ज भी है और उनका हक भी है. बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आप रब्ता रहेगा. और आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी हक में तेरा ही, मेरे फख्र के लिए काफी हक में मेरा परवरदिगार. तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे. قردم بتمائے کیچرا خدا نے حساب ایک ہوئے شرم جس طرح سنوں اس صورت میں کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ.